नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर लगाया ग्रहण। राज्य में अगले दो दिन तक छाया रहेगा कोहरा। बिहार की ग्रेजुएट लड़कियों को जल्द मिलेंगे 25,000 रूपए। 21 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। जगदानंद ने कहा, मुख्यमंत्री के जीन में ही इधर उधर करना है। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक के बिहार की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों पर लगाया ग्रहण। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियों को 28 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो भी डॉक्टर्स, नर्स या फिर स्वास्थ्य कर्मी पहले से ही छुट्टी पर है, उन्हें जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस आदेश को आज से ही लागू कर दिया है, यानी कि अब 28 फरवरी तक राज्य के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने पर ही छुट्टी देने के प्रावधान है। 21 जनवरी तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ स्कूलों के संचालन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि राज्य में अब सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 21 जनवरी तक 8वीं तक की क्लासेस बंद रहेंगी। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही कराई जाएगी। 8वीं से ऊपर की क्लासेस को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर कोई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस करवाना चाहे तो उसे भी अनुमति है। कोचिंग संस्थानों को भी 50% उपस्थिति के साथ खोलने के आदेश हैं। राज्य में अगले दो दिन तक छाया रहेगा कोहरा। राज्य में आज भी मौसम बेहद ठंडा रहा। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जैसे दूसरे राज्यों से आने वाली ठंडी पछुआ हवा और नमी के कारण कोहरा छाया रहा और कनकनी भी बढ़ गई। बिहार का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी परेशानी हुई। मंगलवार को पटना, गया, बांका, छपरा, पूर्णिया समेत राज्य के कई शहरों को कोल्ड डे की चपेट में आ गए। मौसम के जानकारों के मुताबिक अगले दो दिन तक तापमान में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बिहार की 5 यूनिवर्सिटीज के लिए 249 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। बिहार की 5 यूनिवर्सिटीज के 16 डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षा विभाग ने 249 करोड़ 74 लाख की राशि को मंजूरी दे दी है। इसमें से 26 करोड़ की किस्त भी जारी कर दी गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन सभी वित्त रहित डिग्री कॉलेजों को अनुमान्य अनुदानित राशि के तहत 1.5 करोड़ रुपए देने हैं। इसके अलावा इन कॉलेजों के आधारभूत संरचना और दूसरी जरूरी शर्तों की जांच के बाद ही इन्हें बाकी रकम दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि इन सभी डिग्री कॉलेजों की यूनिवर्सिटी सत्रवार जांच करे। जांच से संतुष्ट होने के बाद ही अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ सभी डिग्री कॉलेजों में औपचारिक रूप से शशि निकाय का भी गठन करना होगा। पटना समेत कई शहरों में बदलेंगे ऑटो के रूट। शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए अब परिवहन विभाग ने एक नया प्रयास किया है। विभाग राज्य के प्रमुख शहरों की सड़कों पर चल रही ऑटो, सिटी बस सर्विसेज की संख्या और रूट तय करने के लिए अब एक थर्ड पार्टी से सर्वे करवाएगा। इसके लिए विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारी से जनवरी के अंत तक रिपोर्ट भी तलब की है, जिसके आधार पर यह सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे के बाद राज्य के प्रमुख शहरों में यात्रियों की संख्या के आधार पर ऑटो की निश्चित संख्या तय की जाएगी और फिर इस संख्या के आधार पर ही ऑटो को परमिट दिया जाएगा। सरकार के इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरों में ऑटो की संख्या को नियंत्रित करना और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना। बिहार की ग्रेजुएट लड़कियों को जल्द मिलेंगे 25,000 रूपए। नए साल की शुरुआत में ही बिहार सरकार ने बिहार की बेटियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 1,07,000 ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 494,23,00,000 रूपए का फंड पास कर दिया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली लड़कियों को 25,000 रूपए दिए जाते हैं। ये पैसे सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने राज्य के 227 मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान के लिए भी 249,76,00,000 रूपए की राशि को मंजूरी दे दी है। कॉलेजों के इस राशि के खर्च का ब्रेकअप तय समय सीमा में विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 2022 में जमालपुर को मिलेगी तेजस की सौगात।
रेल से सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। मालदा रेल मंडल जमालपुर के रास्ते से चलने जा रही अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस की फाइल अब आगे बढ़ गई है। फरवरी में आम बजट के साथ पेश होने वाले केंद्रीय रेल बजट को मंजूरी मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर और रूट के समय को लेकर के भी रेलवे की तरफ से सहमति बन गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी के अंत तक अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने लगेगी। जमालपुर में देश का पहला रेल कारखाना होने की वजह से इस ट्रेन का ठहराव जमालपुर में भी दिया गया है। यहाँ पर 2 मिनट के लिए तेजस एक्सप्रेस रुकेगी। हालांकि पटना जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल के बीच किसी तरह के ठहराव में बदलाव नहीं किया गया है। डिप्टी सीएम रेणु देवी आई कोरोना की चपेट में। कोरोना वायरस का कहर बिहार में जारी है। अब बिहार की डिप्टी सीएम सहित बिहार सरकार के 4 मंत्री भी इसकी चपेट में आ गए हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी, उत्पाद मंत्री सुनील कुमार, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी को भी संक्रमित पाए जाने की खबर अब सामने आने लगी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कुछ जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थान जैसे कि पार्क, जू समेत धार्मिक स्थल को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने शेयर किया अपना फिटनेस मंत्रा। भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है जो कि इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो जिम में वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं। वैसे तो अक्षरा अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर शेयर करती रहती हैं, जिसे लोग काफी पसंद भी करते हैं। कई बार तो लोग उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है। अपने फैंस की इसी सवाल का जवाब में अब अक्षरा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि फिट रहने के लिए वो क्या कुछ करती हैं और अगर उनकी तरह फिट रहना है तो कौन से एक्सरसाइज करने होंगे। तेजस्वी की बेरोजगारी हटाओ यात्रा का रथ पहुंचा राबड़ी आवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा की शुरुआत करने का ऐलान किया था। अब इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जिस रथ में तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकलेंगे वो रथ भी राबड़ी आवास पहुंच चुका है। सुशील मोदी ने कहा सरकार और राजभवन में नहीं है तालमेल। भाजपा नेता सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार के मसले पर अपनी सरकार को ही नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि जब मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उनके घर से संवेदनशील कागजात भी बरामद किए गए हैं और पैसों के हेराफेरी का आरोप भी है, तो अब राज्य सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मामले में सरकार को राजभवन के साथ अपना तालमेल बेहतर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राजेंद्र प्रसाद लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं और जांच में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वारंट निकाल कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र और मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी पर भी जिस तरीके के आरोप लगे हैं उससे बिहार की उच्च शिक्षा को लेकर गलत संदेश जा रहा है। यूपी में वीआईपी और हम आ सकते हैं एक साथ। जब भाजपा पर वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं हुआ तो अब ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल बिहार में ये दोनों पार्टियां एनडीए का हिस्सा है, लेकिन यूपी में भाजपा इन्हें तरजीह नहीं दे रही है। बार बार दबाव बनाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी की पार्टी एक साथ आने की फिराक में है। मुकेश सहनी फूलन देवी के सहारे जातिगत वोट बैंक साथ कर 165 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। अब उन्होंने पैतरा बदला है और जीतनराम मांझी से मुलाकात की है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जगदानंद ने कहा मुख्यमंत्री के जीन में ही इधर उधर करना है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर खूब बयानबाजी भी की जाती रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार के जीन पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जीन में ही इधर उधर करना है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्ट करवाया था तो ये बात सामने आई थी। उन्होंने सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की और जनता की परवाह है तो बीजेपी से अलग होकर दिखाएं। जगदानंद ने कहा कि जातिगत जनगणना करवाने से जनता की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री में स्थिरता ही नहीं है, ना ही उन्हें जनता की परवाह है।
सीएम की कैबिनेट बैठक में लगी 6 एजेंडों पर मुहर। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल की पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में बिहार में पेशा कर नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख अनुदान राशि देने के लिए 105 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में मुहर लगाई गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने दिए थे, जिनमें से कुछ यूजर्स जिनके जवाब हमें पसंद आए हैं उनके नाम हैं मुन्ना कुमार, कुश कुमार यादव, आराध्य वर्मा, पिंटू पासवान, बहादुर शाह, राजीव कुमार, सिफोर कुमार, संतोष कुमार। इसके अलावा और भी कई यूजर्स ने हमें जवाब दिए थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम उन सब के नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा करना कोरोना की रोकथाम में मददगार साबित होगा या नहीं? आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।